नमस्कार, जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने न्यायाधीश एनवी रमन्ना। राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। 26 अगस्त 2022 तक रहेगा सीजेआई एनवी रमन्ना का कार्यकाल। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज जो बने मुख्य न्यायाधीश। पीएम मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर लोगों को किया संबोधित। स्वामित्व योजना के तहत की ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, इस वर्ष कोरोना की चुनौती पहले से ज्यादा, हमें गांव तक नहीं पहुंचने देना है कोरोना का संक्रमण। पीएम बोले, कोई परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी। देश के हर गरीब को मई और जून में मुफ्त में मिलेगा अनाज। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की कोविड-19 योद्धाओं की प्रशंसा। बोले, महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से सेवा हमेशा की जाएगी याद। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गरमाया ऑक्सीजन का मुद्दा। दिल्ली बोली, हमारे हिस्से की सप्लाई मिले वरना ढह जाएगा सिस्टम। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र से मांगा विस्तृत ब्यौरा। कहा, ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत। ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करने वालों को दे देंगे फांसी। अभी यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित नहीं होने देगी योगी सरकार। सीएम योगी के अनुरोध पर पीएम ने तत्काल मुहैया कराया हवाई जहाज। केंद्र सरकार ने दवा और ऑक्सीजन आपूर्ति से हटाया आयात शुल्क। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 3 महीनों तक जारी रहेगी छूट। विशाखापट्टनम से नासिक पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। जल्द होगी अस्पतालों को सप्लाई, मिलेगी राहत। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की गई जान। ऑक्सीजन की कमी से हुई घटना। दांव पर 200 की जिंदगी। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल पहुंचा एक ऑक्सीजन टैंकर। संकट की घड़ी में जगी राहत की थोड़ी उम्मीद। दिल्ली के 80% अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। कोरोना महामारी से दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं हालात। कोरोना पर सर्वे में 68% लोगों ने लॉकडाउन का किया समर्थन। कहा, दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद भी बढ़ाई जाए पाबंदियां। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में 2 मई तक बंद रहेंगे बाजार। व्यापारी संगठनों ने लॉकडाउन 1 हफ्ते बढ़ाने की उठाई मांग। गाजियाबाद में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चला रहा ऑक्सीजन लंगर। कोरोना मरीजों को सड़क पर गाड़ी में ही दे रहे हैं सुविधा। प्रबंधक ने डीएम से की 20 से 25 सिलेंडर उपलब्ध कराने की अपील। कहा, हम कोरोना से बचाएंगे 1000 लोगों की जिंदगी। गोरखपुर में आरएसएस ने बनाया 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर। रहने खाने और दवाओं का किया निःशुल्क इंतजाम। संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कोरोना महामारी को बताया चुनौतीपूर्ण। बोले, हालात का फायदा उठाने की कोशिश में देश विरोधी ताकतें। हवाई मार्ग से मध्य प्रदेश पहुंची रेमडेसिविर की 15,000 और शीशियां। हवाई अड्डे से अलग अलग जिलों में भेजने का शुरू हुआ काम। केजरीवाल सरकार ने निर्माण मजदूरों के खाते में डाले 5,000 रुपए। दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासियों के लिए शुरू किया भोजन वितरण केंद्र। कोरोना महामारी के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से की मांग। का अनावश्यक खर्च की बजाय टीके ऑक्सीजन जैसी सेवाओं पर दें ध्यान। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उपराज्यपाल से किया आग्रह। बोले, सर गंगाराम अस्पताल में तत्काल ऑक्सीजन की करें व्यवस्था। ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करेगा आईटीसी। लिंडे इंडिया लिमिटेड के साथ किया समझौता। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार एम्बुलेंस से नीचे गिरा कोरोना मरीज का शव। विदिशा में अंधाधुंध स्पीड से गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। बंगाल में बीजेपी के फ्री वैक्सीन के ऐलान पर टीएमसी का पलटवार। का बिहार में फ्री टीकाकरण का किया था वादा, भूल गए क्या। सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा। अब 25% ब्याज के साथ भुगतान कर सकेंगे करदाता। सीबीआई ने नागपुर में अनिल देशमुख के घर पर की छापेमारी। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोनों पर बीएसएफ ने की गोलाबारी। सैन्य बलों की चौकसी से पाकिस्तान की ओर लौटे। पी चिदंबरम ने टीके की कमी न होने के दावों को बताया खोखला। बोले, कई अस्पतालों में नहीं हो रहा है टीकाकरण, सरकार कर रही है गुमराह। रेलवे ने भोपाल में की 20 कोविड देखभाल कोच की व्यवस्था। पीयूष गोयल बोले, रविवार से मरीजों का शुरू किया जाएगा इलाज। कांग्रेस ने अपने डिजिटल चैनल INC TV का शुरू किया प्रसारण। सोशल मीडिया के सभी प्रमुख मंचों पर उपलब्ध होगा चैनल। 45 वर्ष से ऊपर के सभी कर्मचारियों को टीका लगवाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। टीकाकरण अभियान के लिए विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएगा निधि। भारत में कोरोना के मामलों पर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने दिया बयान। का संकट से निपटने के तरीके तलाशने में भारत के साथ मिलकर कर रहे काम। 30 मई तक चालू हो जाएगा इफको का दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र। बरेली से प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को होगी मुफ्त में आपूर्ति। LAC पर तनाव के बीच J-20 लड़ाकू विमान को अपग्रेड कर रहा है चीन। अब विमान के इंजन की गर्मी को नहीं पकड़ पाएंगे रडार। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में पंचायत चुनाव स्थगित कराने की उठने लगी मांग। कई कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी से नाम कटवाने का दिया प्रार्थना पत्र।
बिना नेगेटिव रिपोर्ट लिए बंगाल नहीं जा सकेंगे 5 राज्यों के लोग। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ पर लगी पाबंदियां। वेंटिलेटर पर तंबाकू मलते एक शख्स का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने लिखा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। भगवंत मान ने पीएम केयर्स फंड के पैसों के उपयोग पर उठाए सवाल, बोले टेंडर जारी होने के 6 महीने बाद भी चालू नहीं हुए ऑक्सीजन प्लांट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया सुझाव, कहा महामारी में सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर लगाई जाए रोक। रविवार से फिर उड़ाने शुरू करेगा यूनाइटेड एयरलाइंस, भारत और अमेरिका के यात्रियों को मिलेगी राहत। हरियाणा में कन्या गुरुकुल वाले गांव में शराब ठेके खोलने पर पाबंदी, जिला स्तर पर प्रवर्तन विंग शराब तस्करी रोकने का करेगा काम। अमृतसर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की गई जान, नीलकांत अस्पताल के अध्यक्ष बोले 5 मरीज थे कोरोना संक्रमित। आईपीएल में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला, 3-3 हार के बाद हर हाल में जीतना चाहेंगी दोनों टीमें। राजस्थान रॉयल्स को बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की खलैये कमी, जबकि कोलकाता के सुमन गिल और मॉर्गन ने अब तक किया निराश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।